नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरी पॉइंट पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में साधारण ब्याज के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, और आज हम लोग उससे रिलेटिव क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। दूसरी एक चीज़ और है, आपको केवल साधारण ब्याज में यह बात हमेशा दिमाग पर रखना है कि हमें केवल मूलधन पर ब्याज मिलता है। मूलधन पर ब्याज मिलने के कारण ब्याज हमेशा क्या होगा, समान रहता है। हर समय क्या होता है, समान होता है। यदि मैं 5 साल का ब्याज दे देता हूँ, मैं 1 साल का ब्याज पूछा, तो आप क्या करेंगे, उसमें 5 का भाग दे देंगे तो 1-1 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक, तो यह बात हमेशा दिमाग पर रखे रहिएगा कि साधारण ब्याज सदैव क्या होता है, मूलधन में मिलता है। इन्हीं कारणों से ब्याज हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो आइए उन्हीं कॉन्सेप्टों को देखते हुए हम लोग आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नों को देखने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको जो भी नोटिफिकेशन तो आप वीडियो पढ़ते हैं उस सब की जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, और आप क्या करें, निरंतर पढ़ते रहे। ठीक, दूसरी चीज़ है कि जो मैंने आज तक जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन आपके क्या होंगे, एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे, यहाँ तक कि आप टेट वगैरह में भी बैठते हैं, तो भी वहाँ से क्वेश्चन आपको क्या होगा, मिल जाएगा और आप आसानी से लगा सकते हैं, बस है ना। और दूसरी एक चीज़ और आपसे मैं कहूँगा कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने की कोशिश करिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ वो सब क्या कर रहा, एकदम जैसे कोचिंग क्लासेस में टाइप टू टाइप पढ़ाया जाता है, वो पूरे तरीके से मैं क्या कर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, और कोई एक्स्ट्रा नहीं, कॉन्सेप्ट पर ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे। बहकावे में मत आइए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहकावा चालू कर दिए हैं, क्वेश्चनों को सेटिंग कर रहे हैं अपने हिसाब से, क्वेश्चन का ऑप्शन अपने हिसाब से सेटिंग करके ऑप्शन से क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है, गलत नहीं, मत पढ़िए। कॉन्सेप्ट भले ही लगेगा कि थोड़ा सा क्या करें, बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन एक बार सीख गए तो कसम बता रहा है कि क्वेश्चन को चाहे जैसा भी हो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आप कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक पैदा होता है, बस है ना। तो हम आपका समय ज़्यादा लेते ना हो, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो इस क्वेश्चन आपका क्या होगा, बोर्ड पर पड़ा है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। वह क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हरि ने 6.25 रुपये प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 फरवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 की अवधि के लिए एक बैंक में 2500 रुपये की राशि जमा किए, तो उसे कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, उसे कितना ब्याज मिलेगा। अब ये बताइए, ये 18 अप्रैल की बात कर रहा है, सॉल्यूशन ये 18 अप्रैल की बात कर रहा है, 4 फरवरी से 18 अप्रैल की बात हो रही है। तो देखिए, फरवरी हमारा क्या होगा, 28 दिन का, जिससे कि हमारा क्या होगा, यदि 28 दिन का। और दूसरी चीज, जब मैंने एक बात बताया आपसे कि जिस दिन आप पैसा उधार लेते हो तो उस दिन का ब्याज आपको नहीं देना होता है। अब बताइए, जिस दिन आप पैसा उधार ले उस दिन का ब्याज आपको नहीं देना होता है, तो 4 फरवरी का पैसा आपको नहीं देना होगा, 28 में से 4 का 24 दिन का पैसा देना होगा। ठीक, प्लस पर अब मार्च में क्या होगा, 31 का होगा, अप्रैल हमारा क्या होगा, 18 हो जाएगा। ठीक, तो 8, 4, 12, 1, 13 और 3, 2, 5, 1, 6 क्या होगा, 7, 73 दिन हो गया। और 73 दिन को मैंने बताया था ना, 1/5 वर्ष होता है। 73 दिन को मैंने क्या बताया था, 1/5 वर्ष हो गया। क्लियर है? अभी बताइए, 6.25% की बात कर रहा है, 1/5 साल की बात कर रहा है, तो बताओ ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब ये बताइए कि हमारे पास SI परसेंटेज कितना हो गया। तो क्या कर रहा है, 6.25 × 1/5 हो जाएगा, तो इस तरीके से 1.25 आ जाएगा, देख लीजिएगा, ये परसेंट हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो गया कि मेरे पास जो 25,000 रुपये थी, उसका हमें क्या करना पड़ेगा, 1.25% यदि हम निकाल लेते हैं तो हमें क्या होगा, SI पता चल गया। तो 2 जीरो ऐसे खत्म कर लेते हो आप। ठीक है, चलिए 1 जीरो आप यहाँ लगा लेते हैं। 25×5 के 5 हासिल क्या होगा, 12 के। 25×2 के क्या होगा, 50। 12×62 के 2 हासिल क्या होगा, 6 के। अब 25 × 25 = 6 कितना होगा, 31 हो जाएगा। और कितने अंक पर, 2 अंक पर 10 लगे। इस तरीके से हमारे पास क्या हो, 312 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। 312 रुपये क्या होगा, 50 पैसे हो जाएगा। क्वेश्चनों का कैलकुलेशन देखना है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन यही कह रहा था कि आपने 18 अप्रैल सन 2015
4 फरवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 तक की अवधि में आपको ब्याज को देखना होगा। तो अब ये बताइएगा यहां पर आप क्या करेंगे, 18 है तो सॉरी 4 फरवरी जिस दिन आप ब्याज तो आप उधार लेते हैं उस दिन का पैसा आपको नहीं देना होता, इसलिए 4 फरवरी निकल जाएगा तो टोटल 28 को होता है। ठीक है भाई, आपने लीप ईयर और क्या होगा साधारण ईयर देखा तो सिंपल ईयर देखा होगा तो उसमें आपका क्या साधारण वर्ष में बात यहां पर आती है कि भाई ये साधारण वर्ष है, जब लीप ईयर होता है तो वहां पर आपका क्या हो जाता है कि जब ये 2-4 से कट जाता है तो वहां पर क्या करते हैं 1 बढ़ जाता है, यही सिस्टम आप जानते होंगे, हालांकि मुझे रीजनिंग उतनी ज्यादा नहीं आती है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे बस मैथ के आधार पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि भाई 4 फरवरी से 18 अप्रैल तक टोटल 73 दिन होते हैं जिसमें 1/5 साल होता है, 6.25 एक साल में होता है तो 1/5 साल में कितना होगा 1.25% ब्याज देना पड़ेगा, किस पर देना होगा 25,000 रुपए पर देना होगा, कितना कितना पैसा है 1,312.50 रुपये आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में, क्वेश्चन और अगला क्या करता है, कैसा प्रश्न बनता है। ठीक है, पहले हम लोग बोले थे ना कि भाई आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक लेके चलेंगे, पहले आप क्या करें बेसिक चीजों को बेस कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है ना, क्योंकि भाई छोटी छोटी क्वेश्चनों से ही धीरे धीरे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बात समझ में आ रही है ना। तो हम लोग क्या करते हैं आगे प्रश्न को आप देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब 5,500 रुपये के मूलधन को 3% की ब्याज दर पर 8 महीने के लिए निवेशित किया जाता है तो 8 महीने के अंत में अर्जित साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो आइए भाई इसको हम देखते हैं। तो क्या कह रहा, 8 माह बोला है, 8 माह बोला है यानी 8/12 वर्ष हो जाएगा, ऐसे में आप देखेंगे 4×8 = 12 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है। अब यदि मैं आपसे पूछा कि चलो बताओ कि ऐसा ही हमारा कितना हो जाएगा, ऐसा ही परसेंटेज बताओ कितना होगा, तो कहेंगे कि 3% है, कितने साल 2/3 में काटोगे तो कितना परसेंट 2% है, यानी 2% आपको ब्याज देना पड़ेगा। अब बताओ कि 5,500 रुपये हमारा था, ये 100% है ना, क्योंकि मैंने बोला था मूलधन हमेशा 100% है, तो 100% पर आपका कितने के होगा 5,500 के हैं, तो 1% पर आपका कितना होगा 55 के हो गया, तो 2% पर आपका कितना होगा 110 हो जाएगा ना। तो इस तरीके से हमारे पास SI कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी, SI कितनी हो जाएगी आपका 110 हो जाएगी, बात समझ में आ रही है ना, SI कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, बात समझ में आना। तो ये आपका क्या होगा मतलब को समझ करके प्रश्नों को लगाने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक, एक प्रश्न और करते हैं हम लोग, अच्छे प्रश्न है, एक प्रश्न और करते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है देखिए, क्या का प्रश्न कह रहा है, 2,300 रुपये की धनराशि पर 1 पैसा प्रति रुपये प्रति माह की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अभी बताइए 1 पैसा प्रति रुपये प्रति माह का मतलब क्या हो, 1 पैसा प्रति रुपये प्रति माह का मतलब क्या होगा, 1 पैसा 1 रुपये में, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं, बात समझिएगा। जो दर दिया था हमारे पास वो कह रहा है 1 पैसा प्रति रुपया, 1 पैसा प्रति रुपया, 1 रुपये में कितने पैसे 100 पैसे, तो 1/100 हो गया, इसका अर्थ होता 1%, क्यों ऐसा भिन्न जिसका हर 100 होगा वो परसेंटेज, तो 1% हुआ, लेकिन कब का है 1 माह का, कितने का है 1 माह का, वार्षिक निकालना तो 1 माह कितनी होती है 12 होते हैं, तो 12 का मुझे क्या करना होगा गुणा करना, तो 12% वार्षिक हो जाएगा कि नहीं, क्या बन जाएगा वार्षिक हो जाएगा कितने 12%, तो SI परसेंट बताओ तो क्या हो जाएगा 4×12 तो 12×48%, तो 2,300 रुपये था ना उसका हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा 48% देना पड़ेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा SI 00 कैंसिल, 8 3 कितना हो जाएगा 24, 8×2 = 16 है, 3×4 = 12 कितना होगा 28, 28×2 कितना होगा 30, 0 हासिल 3, फिर उसके बाद क्या होगा 8×2 = 16 और 16 आपका कितना हो जाएगा सॉरी 8 तो हो गया 4×2 = 8, 8×1 = 8, 3×11 हो जाएगा,
1104 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 1104 रुपये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो हम लोग ब्याज तो निकाल सकते हैं ना, अब एक और प्रश्न बनाते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए देखिएगा। 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि 6% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए दिए गए 500 रुपये कर्ज के रूप में 500 रुपये कर्ज के सॉरी 500 रुपये कर्ज के बराबर साधारण ब्याज की राशि देगी, ठीक है ना। चलिए बात को समझते हैं, हालांकि प्रश्न ऐसा आता है तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे लगाएंगे, एकदम आसान तरीके से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे देखिएगा। हालांकि मैं देखिए दो तरीके से, एक तो हम पहले बेसिक बता देते हैं कि इसको बेसिक कैसे लगाएंगे। बेसिक यही लगाएंगे कि इस पर पूछ रहा है कि के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि 5% वाले पर, तो पी क्या रेट है हमारे पास 5 और समय कितना है 4 बट्टे कितना होगा 100, ये बराबर फिर यहाँ कितना होगा 500 रुपये, क्या रेट है 6%, समय कितना है 4 बट्टे क्या होगा 100, तो ये 4 से 4 कैंसिल होगा, ये 5 से इसको काटेंगे तो 100 हो जाएगा, ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारे पास कितना हो 100 × 6 हो जाएगा, 100 × 6 क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। ये चीज़ें आपकी निकल के आई, बात समझे ना। तो ये तो मान लेते हैं कि आसान भी है, थोड़ा सा दिक्कत इसमें आती है कि जब आपके पास क्या होगा 3 लोग हो जाते हैं तब समस्या होती है कि 3 लोगों को लेकर के साल्व कैसे करेंगे, तब वहाँ पर स्टेप बढ़ता है। तो इसी स्टेप को हम लोग को बचाने के लिए एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता, PRT/100, PRT/ क्या होता है 100 होता है, यह SI होती है, ठीक। अभी बताइए यदि मैं इसको कांस्टेंट बोल देता है ना, तो यदि मैं कांस्टेंट बोल देता तो PRT बराबर क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, ठीक, बराबर हो गया, नियत होगी जिसको बोलते हैं नियत। तो अभी बताइए यदि मुझे प्रिंसिपल चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1/RT हो जाएगा कि नहीं, बताइए क्यों, नियम यही कहता है कि यदि मैं इसको नियत कर दिया तो प्रिंसिपल चाहिए या प्रिंसिपल इस आरटी के बीच में जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा कि भाई आरटी का व्युत्क्रम अनुपात आपका प्रिंसिपल हो जाएगा ना। तो अब ये बताइए कि इसी कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चलते तो यहाँ पर हमारा आरटी कितना हो जाता 20 और यहाँ आरटी कितना होगा 6 × 24, देख रहे ना 6 × 24, क्लियर है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 5 × 6 होगा कि नहीं, ठीक। तो इसी का उल्टा प्रिंसिपल आरटी, ब्याज को उल्टा प्रिंसिपल, ये ब्याज हो गया ना, ब्याज को उल्टा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना होगा 6 और कितना होगा 5 हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ये क्या होगा SI हो जाएगी, ठीक। तो अभी बताइए 5 वाले में कितना दिखा रहा था, 500 रुपये दिखा रहा था, 5 वाले में 500 रुपये दिखा रहा था कि नहीं, 5 वाले में 500, तो 6 वाले में कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, तब 5 वाले में 500 तो 6 वाले में क्या होगा 600 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जानते रहिएगा, इसलिए कि 2 लोग रहेंगे तो हम तो सूत्र पर लगा देंगे आसानी से, लेकिन यदि 3 लोग 4 लोग हो जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको क्या होगा ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे प्रिंसिपल का रेशियो निकालना होगा तो क्या होगा 1/RT बट संबंध है 1/ क्या होगा R1T1 और RTT2 हो जाएगा, ठीक। कॉन्सेप्ट यही क्या कि प्रिंसिपल हमारे पास जो है उसका जो रेशियो होगा 1/RT R1T1, 1/ क्या होगा R2T2 और 1/ क्या होगा R3 और T3 हो जाएगा, ठीक है ना। और लेकिन यदि मान लेते हैं ये एक बात हुई, लेकिन इसकी दूसरी बात एक और कहती है कि जब मिश्रधन बराबर हो जाए, मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन बराबर हो जाए, जब मिश्रधन बराबर होगा तो उस दशा में क्या हो जाएगा, तो भाई वही बात आएगी प्रिंसिपल का जो रेशियो 1/100 प्लस क्या होगा R1T1, 1/100 प्लस क्या हो जाएगा R2 और T2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका कॉन्सेप्ट आगे भी क्या करेगा, काम करेगा, बात समझे ना। तो कॉन्सेप्ट आपको क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा, बड़ा काम क्या है,
ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं कि आगे का प्रश्न हमारा क्या कहता है, उस पर रिलेटिव क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। 2600 रुपये की रकम को दो हिस्सों में विभाजित करके इस प्रकार ब्याज पर लगाया जाता है कि पहले हिस्से पर 10% की दर से 5 वर्षों का ब्याज तथा दूसरे हिस्से पर 9% की दर से 6 वर्षों के ब्याज के बराबर है, तो 10% वार्षिक दर पर लगाई गई राशि क्या होगी, ठीक है ना। बात समझे ना, तो आइए देखिए, मैंने भाई जस्ट बात बताया था पीछे, बोला था कि यदि ब्याज दर, ब्याज की राशि हमारा बराबर होगा, कहाँ दिया है ये, ब्याज आपका क्या होगा मिलेगा, तो यदि बराबर होता है तो उस समय जो प्रिंसिपल होता है या जो हमारे पास जो धन होता है कि जो धन का जो बंटवारा होगा, तो उन धनों के बीच में जो अनुपात आएगा वो अनुपात उन पर लगाए गए ब्याजों का क्या होगा, उल्टा आएगा, ब्याज परसेंटेज का क्या होगा, उल्टा आएगा। तो ब्याज परसेंटेज में देखिए 10% 5 का कितना होगा, 50 हो जाएगा, क्लियर है ना, 10 × 50 9% 6 का कितना होगा, 36 हो जाएगा, अथवा 9×54 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना होगा, ये 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक। अब अभी बताइए, ये हो गया क्या, ब्याज की बात कर रहा है, ठीक है, इसी का उल्टा निकाल लेते हैं, तो प्रिंसिपल कितना होगा, 27 और 25 हो जाएगा, ठीक। तो 27 और 25 टोटल योग कितना होगा, 52 के होगा, 7×5 = 12, 52 पे, 52 पर कितना होगा, ये 2600 है, तो 1 पर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 27 पर कितना हो जाएगा, ठीक, तो 27 पर कितना होगा, 10% वाला पूछा था ना, 10% वाला यही है, ठीक। तो 27 पर कितना होगा, 0, 7×5 = 35, अब 5×10 = 3 क्या होगा, 1300 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 27 पर कितना हो जाएगा, ये 1350 हो जाएगा, बात समझे ना। तो ये तरीका आपका हुआ, या वही बात आपका है कि भाग को क्या, पहला भाग ये दूसरा भाग है, 5% के हिसाब से 10 साल का 50% हुआ, और यह क्या होगा, सॉरी 10% के हिसाब से 5 साल का ब्याज 50 हो गया, 9% का 6 साल का ब्याज कितना, 9×6 क्या होगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से आप यहाँ पर देखें कि पहला दूसरा का जब रेशियो निकालना होता है तो 54 / क्या होगा, 50 करते हैं, यही बात आपका फिर यही आ जाएगा, 27×25, और टोटल पर कितना होगा, 2600, तो 1/50, तो 27×25 पर निकाल सकते हैं। तो आप क्या करें, रेशियो वैसे बनाना तो बना सकते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ व्युत्क्रम अनुपात का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि व्युत्क्रम हो रहा है ना, तो वो चीज़ें आपके पास लगेगी, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। एक दो प्रश्न और करते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों का, ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बात समझ में आ रही है ना, तो थोड़ा सा आप क्या करिएगा, मैंने एक ही बात बताया कि सपोर्ट करने की बात, आप सपोर्ट करिए और अच्छे अच्छे प्रश्नों से हम लोग क्या करें, रूबरू कराएंगे, बस थोड़ा सा क्या करें, सपोर्ट तो करिए ना पहले, तब तो जा करके हम लोग क्या करें, आगे के प्रश्नों को अच्छे से लगाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिएगा प्रश्न। पहले आप लोग प्रश्नों को क्या करिए, बढ़िया से देख लीजिए, क्यों, क्योंकि भाई ये थोड़ी से लेंदी लिखा गया है, हालांकि प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इस प्रश्न को पहले आप एकदम बढ़िया से देख लें कि राम ने दो बराबर रकम दो भिन्न लोगों में दी। उन्होंने पहले व्यक्ति पर 5% साधारण ब्याज दर लगाया, 5 साल के बाद उन्हें उनसे ब्याज के रूप में 1000 रुपये मिले। दूसरे व्यक्ति को उन्होंने केवल 2 साल के लिए रकम दी, वह उस पर ब्याज की कितनी दर लगाए ताकि इतनी ही राशि प्राप्त कर सके जितनी उन्होंने पहले व्यक्ति से वसूली थी। मतलब साफ साफ है कि इसमें ब्याज आपका आपस में बराबर है, क्लियर, मूलधन भी आपस में क्या है, बराबर है। यदि मैं मान लेता हूँ मूलधन बराबर है, यदि बेसिक लगाता तो मूलधन यदि मैं 1 रुपया मान लूँ या ₹1 मान लूँ, और दर हमारे पास कितना है 5, समय भी कितना है 5/ क्या होगा 100, जितना ब्याज यहाँ मिला उतने ही ब्याज दूसरी रकम वो भी क्या है पी है, और दर हमें पता करना, समय 2/ क्या होगा 100। तो बताइए यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल,
तो आप 50 25 बटा क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, तो आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी, आर बराबर कितने का होगा, ये 12.5% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप वो 1000 के चक्कर में मत पड़े, 1000 तो आपको परेशान करने के लिए दिया है। आप क्या करते हैं, और भी बेसिक लगाते तो क्या करते हैं, 1000 रुपये वाले को लेते तो वहाँ से ब्याज रख करके मूलधन निकालते, फिर मूलधन का अगले वाले में रख करके फिर 1000 रखते, तब जाके हम लोग रेट निकालते, तब जाके इतना आसानी से बनता आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करें, उस बात को ध्यान में न रखें, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि जो दूसरा मेथड हमारे पास था, वही कहा था कि पहले हम लोग यही देखेंगे कि जब आपका क्या होगा, जो मूलधन होगा वो उसको क्या होगा, जो हमारे पास ब्याज रेट तैयार होता था उस ब्याज रेट का क्या होगा, उल्टा होता था। तो इसका मतलब मूलधन यदि दे ही दिया है, एक संबंध एक मूलधन है, तो ब्याज रेट का कितना हो जाएगा, ब्याज रेट की बात करेगा तो वो भी एक संबंध एक हो जाएगा ना, उल्टा करोगे तो एक संबंध एक आएगा ना। यहाँ पर देख रहे हैं एक पर कितना है, 25 है, सॉरी हाँ ब्याज रेट उल्टा नहीं होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, एक मिनट, ब्याज रेट देख लेते हैं पहले। तो यहाँ 5 गुणे क्या होगा, 5, 2 गुणे क्या होगा, आर, तो उल्टा हो जाएगा, 2 गुणे क्या होगा, आर, तो ये क्या होगा, 25। तो जब ये 25 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए, दोनों बराबर बोला है ना, तो वही क्या कर देंगे, 2R बराबर कितने के हो, 25 के, तो R बराबर कितने के होगा, 12.5 के। प्रिंसिपल आपके पास क्या था, का दोनों बराबर है, तो इसलिए 2R किसके बराबर हो जाएगा, 25 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से R बराबर कितने के हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। आप ऐसे समझिएगा, यदि हमारे पास क्या होगा, 25 है, तो 5 गुणे 5 करने पर 25 आया, जब 2 हमारे पास है, 2 में किसका गुणा करेंगे, 25 आ जाए, तो 12.5 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला प्रश्न हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न और देखते हैं कि वो प्रश्न कैसे कर रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ी कैलकुलेशन भी बढ़ रही है गुणा भाग, तो भाई ऐसा तो प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, उसी को लेकर के हम क्वेश्चन को लगा रहे हैं, ठीक है ना। और बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ये थोड़ा सा क्या होगा, आसान हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आसान नहीं होगा, ठीक है। तो एक प्रश्न और हम लोग देखते हैं इसी टाइप का, देखिएगा प्रश्न, फिर देखने में बहुत बरियार प्रश्न है, लेकिन एकदम आसान है भाई, बरियार है लेकिन आसान बहुत है, ठीक है। देखिए करना क्या है इसमें, कोई व्यक्ति 15,860 रुपये को अपने 3 बच्चों ए बी सी के नाम से इस प्रकार निवेश करता है कि क्रमशः 2, 3 तथा 4 वर्षों के बाद उन्हें समान राशि प्राप्त होती है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो ए बी सी के नाम से निवेशित की गई राशि का अनुपात क्या होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो एक शब्द का प्रयोग किया, उन्हें समान राशि प्राप्त हो, उन्हें क्या होगा, समान राशि प्राप्त होती है, तो इसका मतलब आपका है कि यहाँ पर जो समान राशि प्राप्त होने का जब जिक्र आपसे कर रहा है, तो इसका मतलब मिश्रधन हमारा क्या होगा, बराबर होगा। क्या बराबर होगा, मिश्रधन बराबर होगा। अब ये बताइएगा कि पहले भाग की बात करते हैं, 5% हमारा है, साल 2 है तो 5×2=10% ब्याज देगा, है ना। फिर 3 है तो 5×15% ब्याज देगा, 5×15% ब्याज देगा कि नहीं। 4 है तो 5×20% ब्याज देगा कि नहीं, भाई देगा ना। लेकिन आप बताओ, मिश्रधन की बात करेगा तो 110% होगा, 115% होगा, 120% होगा कि नहीं। ये तो हमारे पास क्या होगा, रेशियो मिला ब्याज परसेंटेज का, तो बताइए प्रिंसिपल का हमारा क्या होगा रेशियो, इसी का व्युत्क्रम होगा, इसी का व्युत्क्रम होगा ना भाई, बात समझ में आई कि नहीं। तो बिटकॉइन पात निकाल लें, तो आप बताओ 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 22, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 23, 5 से काटेंगे कितना होगा, 24। अब बताइए इसका कंबाइंड रेशियो निकालेंगे, तो बताइए इसको हम बंद करेंगे तो 23-24 का गुणा कर लेंगे, ठीक, इसको बंद करेंगे तो 22-24 का गुणा करेंगे, यही टेक्निक है ना, और इस 24 को बंद करेंगे तो 22-23 का गुणा कर लेंगे। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन तो है, 24×3=72 हो जाएगा, 7×24×2=48, 7×5=55 हो जाएगा, या छोटा करने लायक था, 2 से काट ही देते थे, ये 12 हो जाता, यहाँ 12 हो जाता और 11 हो जाता, और छोटा गुणा कर लेते हैं आराम से। अब गुणा आसान से हो जाएगा, 12×36 हो जाएगा, 12×24×3 कितना होगा, 27 हो जाएगा। यहाँ क्या, 12×24×4 हो जाएगा, 12×24×2 कितना होगा, 26 हो जाएगा, या 11×33 हो जाएगा, 11×22×3 कितना होगा, 25 हो जाएगा। यही हमारे पास क्या होगा, रेशियो हो जाएगा।
यही हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। तो यदि प्रश्न आपका इस तरीके से रहता तो आप रेशियो ऐसे बना, लेकिन यदि आपसे रुपया भी पूछने लगता तो आप रुपया में क्या कर देते, तो यही कहते हैं कि 6 4 10 3 13 के 3 हासिल 1 25 इससे जोड़ करके देखते तो करीब करीब 700 क्या होगा, 43 के रेंज में आएगा, ठीक है, 743 ऐसा कुछ करके आएगा। तो उतने पे एक पर निकाल लेंगे तो इसके बाद उसका निकालेंगे, चूंकि आपसे अनुपात पूछा था हम लोग क्या करेंगे अनुपात ही निकालेंगे। बात समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास ब्याज रहेगा तो ब्याज प्रतिशत का अनुपात उल्टा कर देंगे तो मूलधन निकल के आ जाएगा, और आपका क्या होगा मिश्रधन का क्या होगा परसेंटेज का उल्टा निकालेंगे तो हमारा क्या होगा मूलधन यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। आगे एक प्रश्न और करेंगे इसी बेस पर, देखिए लेंदी लग रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन आपका क्या आसान है भाई, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था पिछला, वो कॉन्सेप्ट पर आप क्या करिए उसको देख लीजिए, उसी से रिलेटिव क्वेश्चन में करा रहा हूँ, आप उससे क्या होगा आसानी से बना लेंगे, ठीक है ना। एक और प्रश्न पर हम लोग क्या करेंगे विचार करते हैं कि वह प्रश्न आपका कैसा है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा प्रश्न क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 3,75,000 रुपये की राशि अपने एक पुत्र तथा पुत्री को जो क्रमशः 14 वर्ष तथा 12 वर्ष के हैं में इस प्रकार बांटता है कि उनके धनों को 5% की दर से निवेशित करता है, जब वे 18 वर्ष के होंगे तो उन्हें बराबर धनराशि मिले तो वह धन राशि किस प्रकार बांटी गई है, सॉरी किस प्रकार बांटी गई, ठीक है ना। आइए देखिएगा प्रश्न में क्या है प्रश्न। मैंने एक बात बताया था, जब आपके पास बराबर धनराशि प्राप्त होगी, उन्हें जब बराबर धनराशि मिल रही है, जब बराबर धनराशि यहाँ पर मिल रहा है तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पर कि भाई मिश्रधन हमारा दोनों का क्या होगा बराबर होगा। अभी बताइए जो 14 वर्ष का है बंदा उसको कितने साल चलना पड़ेगा, 14 वर्ष का है तो उसे कितना परसेंट मिलेगा, देखिए एसआई परसेंट तो 14 वर्ष का है 4 साल होगा ना, 18 साल में आने में उसको कितना साल बढ़ना पड़ेगा 4 साल बढ़ेगा, तो जब 4 साल बढ़ेगा 5% के हिसाब से 5 चौक के क्या होगा 20% हो जाएगा, ठीक है ना, 5 चौक के कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, क्लियर है ना। अब बताइए ये 12 है ना, इसको 18 होना है तो कितने साल चाहिए 6 साल चाहिए, तो 6×5 क्या होगा 30% हो जाएगा, ये हमारा ब्याज मिलेगा, ठीक है। लेकिन यदि मैं इसी में अमाउंट परसेंटेज कहूँ तो अमाउंट परसेंटेज कितना 120-130 हो जाएगा, क्लियर है। अब हम इसका रेशियो बना लेते हैं तो 12×13 बन जाता कि नहीं, क्लियर। तो अब बताओ कि प्रिंसिपल इसका क्या होता, उल्टा होगा ना, तब 13×13 क्या हो जाएगा 12 होगा ना। अब ये 13×12 मिला के कितना होगा 25 के होगा, और ये 25 पर कितना होगा 3,75,000 है, तो एक पर कितना हो जाएगा 25×25 बचेगा तो कितना 12 है, 25×25 तो 15,000 हो जाएगा ना, सही है ना। तो 25×25 बच जाएगा यहाँ पर कितना 12 125 बन जाएगा, 25×25 टोटल क्या होगा 15,000 हो जाएगा ना, तो 1×15,000 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा 13 पर कितना होगा 00000 13×65 13×6 19 हो जाएगा 1,95,000 हो जाएगा, 12 पर कितना हो जाएगा 12×2 क्या होगा 15,000 है तो 1,80,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1,80,000 हो जाएगा। तो उनके धनों का जो बंटवारा होगा 1,95,000 दूसरा क्या होगा 1,80,000 होगा, धनों का बंटवारा क्या होगा 1,95,000 होगा और उसका क्या होगा 1,80,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका क्या होगा ये प्रश्न आसानी से लगा लेंगे। हमने आज क्या सीखा ये पहले हमें देखना कि हमें आज क्या सीखा, हमने यही देखा कि जब हमारे पास ब्याज बराबर होगा तो ब्याज परसेंटेज का उल्टा हमारा मूलधन होगा, यदि हमारा मिश्रधन बराबर होगा तो मिश्रधन का परसेंटेज जो निकलेगा परसेंटेज मिश्रधन नहीं मिश्रधन का परसेंटेज का उल्टा हमारा क्या होगा मूलधन हो जाएगा। जैसे हमने देखा मिश्रधन बराबर था, मिश्रधन हमारे पास क्या 120% 130% इसका उल्टा कर देंगे, ये 12×13 इसका उल्टा करेंगे तो मूलधन हमारा निकल के आ जाएगा। हमने आज यही सीखा, बस आज जो भी मैंने क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन 10 जो भी मैंने कराया जो भी, तो ये आपका क्या था बस इसी बेस पर क्वेश्चन कराया गया था। तो आप इसको क्या करिएगा बढ़िया से नोट्स के रूप में बनाइए। देखिए यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं रियल में तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्या करिए जो चीज़ें बताई जाती है उसको आप क्या करिएगा उसमें आप क्या करिएगा इसमें कि भाई जो है नोट्स बनाइए बढ़िया से, जिससे कि आपका हर टाइप का क्वेश्चन आपको क्या मिलता जाए और आप उस तरीके से क्या तैयार होते चले जाए, ठीक है ना। तो आज का सेशन बस इतने पर ही है, ठीक है, फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ, ठीक है, ओके धन्यवाद।